नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता वर्मा, एकेडमिक कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम राष्ट्रीय आय के द्वितीय भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के महत्व व राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। यूं तो राष्ट्रीय आय को मापने की चार विधियां प्रचलित हैं। पहली है प्रोडक्शन मेथड, दूसरी एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरी इनकम मेथड और चौथी सोशल अकाउंटिंग मेथड। आज हम इन्हीं चार टॉपिक्स को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे व राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के महत्व की भी जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय आय की माप की विधियां यूं तो कई हैं, लेकिन हम इनमें से चार प्रमुख विधियों को लेते हैं। पहला, उत्पादन गणना विधि या सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। कुल उत्पादन में से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन तथा मध्यवर्ती वस्तुओं इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य घटा देने से शुद्ध उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय जोड़ने से शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। इसे कॉमोडिटी सर्विस मेथड या वस्तु सेवा विधि भी कहा जाता है। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू p माइनस d प्लस s माइनस t प्लस x माइनस m प्लस r माइनस p। y इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द नेशन, p इज इक्वल टू डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ ऑल प्रोडक्शन सेक्टर्स, d इज फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, s फॉर सब्सिडीज, t फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, x फॉर एक्सपोर्ट्स, M for imports, R for receipt from abroad and P means payments made abroad। इस विधि के प्रयोग में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला, किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य की दोहरी गणना न हो। दूसरा, संपूर्ण उत्पादन में से पूंजी का मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए। तीसरा, विदेशी लेन देन को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। चौथा, उत्पादक द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए बनाई गई वस्तुओं को इसमें सम्मिलित न किया जाए। इस विधि में गणना में चूक की संभावना अधिक होने के कारण भारत में कुछ क्षेत्रों में ही इसका उपयोग होता है, जैसे कृषि, खनन, हस्तशिल्प इत्यादि। इस विधि का उपयोग भारत में ढुलाई, दूरसंचार एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। दूसरी विधि है सेंसस ऑफ इनकम मेथड यानी आय गणना विधि। इस विधि के अंतर्गत देश में उत्पत्ति के सभी साधनों की आय यानी लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का जोड़ लगाया जाता है। गणना करते समय ऐसे भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता जिनसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। इस विधि से देश में आय के वितरण की जानकारी प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह विधि विकसित देशों के लिए ही अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि आय करना देने वालों की आय का सही अनुमान लगाना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, उत्पादक उद्यमों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रदत्त की गई निम्नलिखित आय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला, कर्मचारियों को प्रदत्त तनख्वाह और दिहाड़ी प्लस नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में दिया गया अंशदान। दूसरा, किराया एवं रॉयल्टी, ब्याज एवं मुनाफा। तीसरा, स्वरोजगार इकाइयों की मिश्रित आय। तीसरा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो कि घरेलू आय कहलाती है के आंकलन के लिए समस्त औद्योगिक क्षेत्रों की इन सभी आय का योग लिया जाना चाहिए। चौथा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो कि राष्ट्रीय आय कहलाता है के आंकलन के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त साधन लागत पर शुद्ध आय को जोड़ दिया जाना चाहिए। आय गणना में आंकलन के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि
कर्मचारियों को प्रदत्त किए जाने वाले प्रतिकरों में नकद के साथ ही अन्य तरह से प्रदत्त प्रतिकरों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ब्याज के आंकलन में मात्र उन ऋणों को सम्मिलित करना चाहिए जो उत्पादन हेतु लिए गए हों। उपभोग हेतु लिए गए ऋणों के ब्याज साधन जनित आय में शामिल नहीं है, अतः उन्हें राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा सकता। हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। उपहार, दान, कर, जुर्माना और लॉटरी में जीती गई रकम भी साधन आय नहीं है, अतः इन्हें भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तीसरी है व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि किसी भी वित्तीय वर्ष में बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में हुए पूर्ण व्यय के आंकलन की विधि होती है। यह पूर्ण व्यय बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। इस विधि में व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस व्यय विधि में मुख्य चरण होते हैं। पहला, कुल व्यय को प्रभावित करने वाली इकाइयों को अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसे घरेलू, सरकारी और फर्म। दूसरा, समस्त व्यावसायिक इकाइयों को निम्न व्ययों का आंकलन। पहला, पूर्ण व्यक्तिगत उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, पूर्ण सरकारी उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा, कुल घरेलू पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा, निर्यात माइनस आयात यानी एक्स माइनस एन। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के पूर्ण उत्पादों पर हुए व्यय का कुल योग बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कर देता है, जैसे कि जीडीपी एमपी यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चौथा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनटीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से डेप्रिसिएशन एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष करों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना चाहिए। एनटीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पांचवा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी पीसी जो कि राष्ट्रीय आय है को ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी पीसी में विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग किया जाना चाहिए। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना में लिए जाने वाली निम्नलिखित मुख्य सावधानियां होती हैं। पहला, केवल पूर्ण हुए उत्पाद पर हुआ व्यय ही शामिल किया जाए, अपूर्ण उत्पाद पर हुए व्यय को शामिल ना किया जाए। दूसरा, उपहार, दान, कर, जुर्माना और लॉटरी में जीती गई रकम पूर्ण उत्पाद में हुए व्यय में नहीं गिने जाते, यह हस्तांतरण व्यय है, ट्रांसफर पेमेंट्स। तीसरा, पुरानी यानी सेकेंड हैंड वस्तुओं के क्रय में हुए व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यय पहली बार की खरीद में शामिल किया जा चुका है। चौथी है सामाजिक लेखा विधि यानी सोशल अकाउंटिंग मेथड। प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन द्वारा प्रतिपादित इस रीति के अनुसार देश की जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वर्ग के कुछ लोगों की आय ज्ञात कर एक औसत निकाल लिया जाता है। उस वर्ग की कुल जनसंख्या को इस अनुमानित औसत आय से गुणा कर देने पर उस वर्ग की संपूर्ण आय ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों द्वारा प्राप्त कुल आय का योग राष्ट्रीय आय होता है। सामाजिक लेखा रीति का प्रयोग तभी संभव है जब सभी वर्गों के लोग तथा संस्थाएं अपनी आय का सही हिसाब किताब रखें। अर्धविकसित देशों में जहां इस प्रकार के हिसाब किताब ठीक प्रकार से नहीं रखे जाते हैं, इस रीति का प्रयोग सीमित रहना स्वाभाविक है। अब बात आती है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के महत्व की। पहला है अर्थव्यवस्था का सही व व्यापक चित्र।
किसी देश के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि देश में विभिन्न व्यवसायों की क्या दशा है तथा देश के प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय साधनों का कहां तक और कैसा उपयोग हो रहा है। दूसरा, आर्थिक प्रगति की माप। किसी देश के व्यक्तियों, वर्गों तथा क्षेत्रों द्वारा की गई आर्थिक प्रगति की सूचना राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से प्राप्त होती है। इनके अभाव में हमें रोजगार की स्थिति, विदेशी व्यापार की स्थिति तथा औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन आदि को मापक के रूप में अपनाना होगा। परंतु वास्तविकता यह है कि ये सूचक राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के साथ काम कर सकते हैं, उनके स्थान पर नहीं। आजकल सभी देशों में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना आवश्यक समझा जाता है। तीसरा है आर्थिक नीति का निर्धारण। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही देश में संतुलित आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इनके आधार पर भविष्य के लिए भी अनुमान लगाए जाते हैं, जो व्यावसायिक क्रियाओं को विकास तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं। चौथा है आर्थिक प्रवृत्तियों को दिशा निर्देशन। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर अधिक भाग बचाकर विनियोग करना होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि स्थायी पूर्ण विकास के लिए कितना विनियोग करना होगा। इसी के अनुसार अधिक प्रवृत्तियां प्रभावित होती हैं तथा विशिष्ट वित्तीय, मौद्रिक और मजदूरी एवं रोजगार संबंधी नीतियां अपनाई जाती हैं। पांचवा है तुलनात्मक समीक्षा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से प्रत्येक वर्ग, क्षेत्र तथा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की तुलना अन्य वर्गों, क्षेत्रों तथा राष्ट्रों से की जा सकती है। एक ही वर्ग, क्षेत्र तथा देश के विभिन्न समयों में आर्थिक दशा की तुलना करने में भी इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। छठा है राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण। हेबलर के शब्दों में अन्य बातें समान होने पर यदि राष्ट्रीय आय अधिक है तो आर्थिक कल्याण भी अधिक होगा, क्योंकि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का बैरोमीटर माना जाता है। अतः आर्थिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी कुल कल्याण को अवश्य प्रभावित करती है। अब बात आती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाइयां आती हैं। तो पहला है धारणा मूलक कठिनाइयां या कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। राष्ट्रीय आय की गणना यह मानकर की जाती है कि देश में समस्त विनिमय मुद्रा के माध्यम से ही होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्षेत्र असंगठित है, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। उत्पत्ति का बहुत बड़ा भाग बाजार में बिकने ही नहीं आता, जिसके कारण कुल उत्पादन का मूल्य आंकना कठिन हो जाता है। अशिक्षा तथा पिछड़ेपन के कारण अधिकांश उत्पादक अपनी उत्पत्ति की मात्रा तथा मूल्य का हिसाब किताब नहीं रख पाते, केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। भारत में प्रायः एक व्यक्ति एक साथ कई व्यवसायों में लगा रहता है, जिससे आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संभवतः भारत की राष्ट्रीय आय आंकड़ों द्वारा बताई गई आय से अधिक होती है। दूसरा है सांख्यिकी कठिनाइयां या स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी कठिनाई पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, परंतु कृषि तथा सहायक धंधों में लागत तथा आय के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों के उपभोग व्यय तथा बचत के पर्याप्त आंकड़ों का भी अभाव है। देश में क्षेत्रीय अंतर इतने अधिक हैं कि एक क्षेत्र के लिए लगाए गए अनुमान दूसरे क्षेत्र के लिए आधार नहीं बन पाते हैं। उपयुक्त कठिनाइयों के कारण ही भारत में अनेक अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय संबंधी उपलब्ध आंकड़ों को सही नहीं मानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के बाद आप राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाए होंगे। धन्यवाद।